गुड मॉर्निंग एवरी वन. इफ़ माई वॉइस इज ऑडिबल, एक बार येस लिख दो. ओके, सो वील बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर वन एंड टू. एक्चुअली हम लोग को चैप्टर वन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही हम लोग यूज़ करेंगे. तो एक्सप्लिसिटली मैं चैप्टर वन नहीं लिख रही हूँ, और यू कैन जस्ट स्किप राइटिंग चैप्टर टू एज वेल. हम लोग क्या करेंगे, वन से लेके फाइव, तो अभी तक मेरा CT4 पोर्शन में हमने देखा था दो पार्ट्स है. एक सर्वाइवल मॉडल्स जो हमने ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है, एंड दूसरा स्टोकास्टिक मॉडल्स जो अब हम कवर करेंगे इन आर कमिंग क्लासेस. नाउ सर्वाइवल मॉडल वॉज फ्रॉम चैप्टर 6 to 12, स्टोकास्टिक इज फ्रॉम चैप्टर 1 to 5. ठीक है, तो ये अब हम लोग को कवर करना है. दिस इज डन, दिस इज वॉट वी हैव टू कवर. नाउ इन सर्वाइवल मॉडल्स हमने क्या किया था, हमने बेसिक जो हमारा एम था वॉज टू मेक अ लाइफ टेबल और टू एस्टिमेट मोर्टैलिटी यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स जो हमने देखा था, पैरामेट्रिक, सेमी पैरामेट्रिक, प्रोपोर्शनल हैजर्ड एंड काफ़ी सारा मॉडल्स हमने देखा, यूजिंग विच हमने हाउ टू बेसिकली क्रिएट अ सर्वाइवल मॉडल, अ लाइफ टेबल. ठीक है, नाउ इन दिस केस यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वी डू नॉट हैव any idea what will happen in future. ठीक है, stochastic का क्या मतलब है, मैंने time series में लिखाया था, हमें नहीं पता, there is no certainty that what will happen in future. This is what we do not know. Also यहाँ पर दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है time independent और एक होता है time dependent. हम लोग दोनों चीज़ अलग अलग study करेंगे. पहले study करेंगे time independent और दूसरा time dependent. तो यहाँ पर From chapter 1 to 5, we'll see कैसे the models are not, we are not certain कि future में क्या होगा, what will be the output, we are not certain about that. उसको हम लोग बोलते हैं stochastic. Clear? Now you will see कि chapter 1 से लेके 5 topics आपको हल्का heavy लग सकता है. जैसे 6 to 12 तक जो हमने पढ़ा था, the topics were very, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट द टॉपिक्स वर नॉट वेरी हैवी टू अस. काफ़ी मोनोटोनस चीज़ लग रहा था कि हम लोग कैप्लन मेयर, नेल्सन एलन कैलकुलेट कर रहे हैं, सब में वही कर रहे हैं, सेंसरिंग क्या है वो देख रहे हैं, एंड फिर ग्रेजुएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंट टेस्ट्स, खाली यही सब था. यहाँ पे व्हेन वी कंसिडर द स्टोकास्टिक मॉडल, यहाँ पे वी विल सी दैट द टॉपिक्स आर अ लिटिल हैवी. बट इसीलिए मैंने बोला कि अगर क्लास अटेंड करोगे, लाइव क्लास, एंड तुरंत जाके यू रीड द कॉपी आफ्टर ईच क्लास, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द कॉपी अगेन, ताकि आपका एक जो भी आपने क्लास में पढ़ा है वो आपको याद रहे, वो आपके, क्योंकि इफ़ यू जस्ट अटेंड द क्लास एंड यू आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट रिवाइजिंग द प्रीवियस क्लासेस कंटेंट, आपको नहीं याद रहेगा, आपको, आप नेक्स्ट क्लास में ब्लैंक फील करोगे. सो दिस इज़ स्टोकास्टिक मॉडल. प्लीज़ आप लोग को एवरी डे रिवाइज करना है अलॉन्ग विथ मी, एज इन व्हेन आई कंप्लीट द क्लास, रिवाइज द एंटायर जो भी मैंने नोट्स लिखा है. मे बी यू विल टेक जस्ट 20 मिनट्स टू रिवाइज एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो. वॉट इज़ अ मार्कोव चेन लिखते हैं पहले. अ मार्कोव चेन इज़ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस. With discrete state space and discrete time set. Full stop. Markov chain
इज अ मार्कोव प्रोसेस, मार्कोव चेन इज अ मार्कोव प्रोसेस, दैट इज इट फॉलोज मार्कोव प्रॉपर्टी, दैट इज इट फॉलोज मार्कोव प्रॉपर्टी, दैट इज द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी depends only on the current state, depends only on the current state, full stop, brackets mein likhna, one step dependency, अब जो मैं ये रेड पेन से लिख रही हूँ वो लिख लो एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन. जिनको मार्कोव प्रॉपर्टी याद है ना, टाइम सीरीज में मैंने समझाया था, वही मार्कोव प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं. जो मैंने रेड पेन से लिखा है उसको कॉपी कर लो जल्दी से. तो बेसिकली मार्कोव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो वापस रिवाइज करते हैं. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द जस्ट वन टाइम स्टेप पहले क्या वैल्यू था प्रोसेस का, उसी पे खाली करंट वैल्यू डिपेंड करेगा, या फिर फ्यूचर वैल्यू विल ओनली डिपेंड ऑन द करंट वैल्यू, नॉट ऑन द प्रीवियस वैल्यूज. तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं, ये जो एन है, दिस इज द ड्यूरेशन, दिस इज द टाइम पीरियड. तो ये जो जीरो है ये वन है, यानी कि टाइम जीरो, टाइम वन, टाइम टू, टाइम एन माइनस वन, करेक्ट. एंड ये जो हम ले रहे हैं जे एम जीरो एम वन एंड ऑल ऑफ दीज आर द वैल्यू विच द स्टेट, बेसिकली बोल सकते हो दिस इज द स्टेट या द वैल्यू विच द प्रोसेस टुक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. यानी कि हम लोग अगर बोलेंगे वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम जीरो, इट वॉज एम जीरो, एट टाइम वन इट वॉज एम वन, करेक्ट. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि टाइम एन पे प्रोसेस का वैल्यू जे होगा, गिवन कि पहले सारे वैल्यूज हमें गिवन है, मतलब एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सारे वैल्यूज टाइम जीरो तक हमें गिवन है. बट स्टिल वी सी कि अगर मार्कोव प्रॉपर्टी है, हमारा प्रोसेस मार्कोव प्रोसेस है, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ मार्कोव प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इट विल ओनली डिपेंड ऑन द वेरी लास्ट वैल्यू विच द प्रोसेस टुक. यानी कि ये जो सारा आपका वैल्यूज दिख रहा है, यानी कि ये जो सारा वैल्यूज दिख रहा है, ये सारा वैल्यूज इस पे डिपेंड नहीं करेगा. इट विल ओनली डिपेंड ऑन एक्स माइनस एन माइनस वन. टाइम एन पे हमारा जो प्रोसेस का वैल्यू है, दैट विल ओनली डिपेंड ऑन एन माइनस वन पे क्या प्रोसेस का वैल्यू था, उसके पहले क्या था उस पे डिपेंड नहीं करेगा. दिस इज व्हाट अ मार्कोव प्रॉपर्टी इज. अगर मार्कोव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एन, टाइम एन पे द प्रोसेस वैल्यू शुड बी जे,
एन माइनस वन पे क्या वैल्यू है, एन माइनस टू पे वैल्यू दिया हुआ है, एंड ये दोनों प्रोबेबिलिटीज विल बी डिफरेंट. वाई? इफ इफ मार्कोव प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट देन दीज टू प्रोबेबिलिटीज विल बी डिफरेंट. क्यों? देखो एन माइनस वन सेम है, देख रहे हो एन माइनस वन का वैल्यू सेम है, सिक्स है, बट एन माइनस टू का वैल्यू डिफरेंट है. एन माइनस टू का वैल्यू डिफरेंट है फॉर बोथ द प्रोबेबिलिटीज. अगर मार्कोव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं तो इट विल डिपेंड ऑन ऑल द वैल्यूज, पहले का ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे ये फोर है, यहाँ पे ये फाइव है, सो इट विल बी डिफरेंट. बट इफ इट होल्ड्स मार्कोव प्रॉपर्टी तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज सेम होगा, क्योंकि एन माइनस वन को ही खाली कंसिडर करेंगे एंड दोनों का वैल्यू सिक्स है. क्लियर? मार्कोव प्रॉपर्टी क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने ये लिखा है ना एन माइनस वन, इसको हम लोग स्टेट स्पेस बोलते हैं. ये जो भी वैल्यूज है ना एम वन, एम जीरो, एम एन माइनस वन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट स्पेस. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स माई प्रोसेस कैन टेक? ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स माई प्रोसेस कैन टेक? एंड टाइम सेट मैंने क्या बोला, डिस्क्रीट है, यानी कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ ओनली डिस्क्रीट. हम लोग कंटिन्यूस भी देखेंगे, बट दिस इज मार्कोव चेन. मार्कोव चेन में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो टाइम सेट है दैट रिमेन्स डिस्क्रीट, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे कंटिन्यूस टाइम हम लोग नहीं लेते, वो भी हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग मार्कोव चेन का बात करें. मार्कोव चेन में दो चीज़ याद रखना, मेरा स्टेट स्पेस डिस्क्रीट है एंड मेरा टाइम सेट भी डिस्क्रीट है. क्लियर? क्लियर? एंड वन मार्कोव प्रॉपर्टी फॉलो कर दे, यानी कि देर इज ओनली वन स्टेप डिपेंडेंसी, खाली एक टाइम पहले क्या प्रोसेस का वैल्यू था उस पर हमारा डिपेंड करेगा आगे का वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज. अगर कोई भी डाउट है ना बीच में पूछ लेना. ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज लिखो. इसके अंदर लिखना ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज आर, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉर्म ये जो मैंने लिखा है इसको लिख लो, ये जो मैंने लिखा लिख लो इसको. इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस का वैल्यू एट टाइम एम, एट टाइम एम वॉज आई, यानी कि एट टाइम एम माई प्रोसेस वॉज इन स्टेट आई, हमें चाहिए एट टाइम एन मेरा प्रोसेस का वैल्यू या फिर मेरा प्रोसेस शुड बी इन स्टेट जे. क्लियर है? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्टेट स्पेस देखो क्या होता है, ये जो एम जीरो है, एम वन है, ऑल द वैल्यूज द प्रोसेस कैन टेक. इफ आई से वन टू थ्री एंड फोर, माई प्रोसेस कैन ओनली टेक दीज फोर वैल्यूज. या तो मेरा प्रोसेस का वैल्यू वन होगा, या तो टू होगा, या तो थ्री होगा, या तो फोर होगा. तो इसको हम लोग स्टेट स्पेस बोलते हैं, ऑल द वैल्यूज विच माई प्रोसेस कैन टेक. क्लियर? डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन इसका स्टेट स्पेस का आपको चैप्टर वन में मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू डू दैट, ऑल द डेफिनेशन, दैट इज वॉट यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है, सो बेसिक आइडिया ये है कि ये पूरा जो भी वैल्यूज हमारा प्रोसेस ले सकता है दैट इज माई स्टेट स्पेस. क्लियर? ठीक है, आ जाओ इधर. तो यहाँ पे व्हेन आई एम सेइंग द टाइम, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी एंड बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है. व्हेन आई एम सेइंग दिस,
इसका मतलब है टाइम m पे माई प्रोसेस का वैल्यू वॉज i, x m, दिस इज़ द टाइम. याद है टाइम सीरीज में भी ऐसे ही किया था, एक्स टी लिखते थे, एक्स टी माइनस वन लिखते थे, दैट वॉज, दिस वॉज द टाइम. वही सेम रिप्रेजेंटेशन है, उसी के तरीके से है. दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द स्टेट. ठीक है, तो टाइम m पे माई प्रोसेस वॉज इन स्टेट i. हमें चाहिए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल हुआ ना ये कि टाइम m का मुझे पता है कि वो स्टेट i पे था, n पे निकालो कि वो स्टेट j पे होगा. हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है. पाथ का क्या मतलब है कि हम लोग को खाली इन दोनों टाइम पे देखना है. m पे i पे था, टाइम n पे j पे होना चाहिए. बीच में जो भी इसने पाथ लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है. क्या m से n पे डायरेक्टली चला गया, m से कोई दूसरा स्टेट पे गया फिर n पे, सॉरी i से कोई दूसरे स्टेट पे गया फिर j पे आया, या फिर डायरेक्टली i से j पे चला गया, या i पे था फिर j पे चला गया, वट एवर इट इज़, वी आर नॉट बॉदर्ड. वी जस्ट वॉन्ट कि टाइम m पे i पे था, दिस इज़ वॉट वी नो. गिवन दिस निकालो प्रोबेबिलिटी कि टाइम n पे j पे जाएगा. क्लियर, क्लियर. अब इसके बाद टॉपिक देना वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज. वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज. इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार कॉपी कर लो. बेसिकली देखो दो तीन मेथड है उसको लिखने का. या तो ये आप लिख रहे हो सबस्क्रिप्ट में, एक बार देख लो, ये आई जे आप लिख रहे हो सबस्क्रिप्ट में, एन एन प्लस वन आप लिख रहे हो ब्रैकेट में नॉर्मली, या फिर आप इसको सबस्क्रिप्ट एंड इसको सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हो. डजेंट मैटर, डजेंट मैटर अगर आप उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखो या नॉर्मली लिखो, इट विल नॉट मैटर. क्लियर, कॉपी कर लो, इसके नीचे लिखना फिर. If the one step transitional probabilities, if the one step transitional probabilities are constant, constant को underline करना, if one step transitional probabilities are constant, if one step transitional probabilities are constant, over time, then देन ये लिख लो, पी आई जे एन कॉमा एन प्लस वन इज नथिंग बट पी आई जे ब्रैकेट में वन. ये क्यों हो रहा है समझेंगे, नाउ इन दिस केस हमने क्या बोला कि अगर मेरा ट्रांजिशनल, मेरा वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कि टाइम n और n प्लस वन, या फिर n माइनस वन और n, n n प्लस वन, मतलब एक टाइम स्टेप का खाली डिफरेंस होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी. यानी कि टाइम n पे मेरा स्टेट का वैल्यू वॉज आई, टाइम एन माइनस वन पे मेरा, एन प्लस वन पे मेरा प्रोसेस का वैल्यू शुड बी जे.
इसका प्रोबेबिलिटी निकालो. नाउ इफ आई एम सेइंग वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यानी कि कॉन्स्टेंट है, इसका क्या मतलब है समझना. मैंने क्या लिखा है, पी आई जे एन से लेके एन प्लस वन, यहाँ पे ये जो आई एन जे है दिस शुड बी सेम, योर आई जे शुड बी सेम, आई जे कैनॉट चेंज, ठीक है, योर स्टेट्स कैनॉट चेंज. तो मैं क्या बोली हूँ, एन से लेके एन प्लस वन यानी कि वन स्टेप में वो आई से जे चला जाएगा एंड यहाँ पे वन वन का मतलब है देर इज ओनली वन स्टेप. तो इसको कैसे लिख सकते, देखो सपोज मैं बोल रही हूँ कि टाइम एम और मे बी एम प्लस वन यहाँ पे आई पे है, यहाँ पे जे पे है, करेक्ट करेक्ट. अब हम लोग ले रहे हैं एन एन प्लस वन यहाँ पे आई पे है, यहाँ पे जे पे है. इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि दिस प्रोबेबिलिटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी द सेम. प्रोबेबिलिटी कि टाइम एम प्लस वन पे, मैं लिख रही हूँ ऐसे, मैं लिख रही हूँ ठीक है, टाइम एम पे इट वॉज इन स्टेट आई, टाइम एम प्लस वन पे इट विल बी इन स्टेट जे. आई जे का मतलब स्टेट्स हुआ ना, यही तो मैंने लिखाया इधर स्टेट्स, कि हमारा प्रोसेस का वैल्यू क्या होगा. आई जे अलग अलग है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आई जे एक एक नहीं है, अलग अलग है. जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई पे था जे पे जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आई जे. ये कुछ भी हो सकता है, ये आई जे कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, क्लियर. और ये मैं बोल रही हूँ एन पे आई पे था, एन प्लस वन पे जे पे जाएगा, तो ब्रैकेट में टाइम, दिस इज माय टाइम, दिस आई जे इज माय स्टेट्स, क्लियर है रितम. आई जे कुछ नहीं है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट. यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि ये जे और ये आई ये दोनों स्टेट्स है, तो उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ आई जे. ये वे ऑफ, क्योंकि ये लिखना और ये लिखना कौन सा ज़्यादा ईजी है, ये लिखना ज़्यादा ईजी है ना, फास्ट है. अभी हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखेंगे पी आई जे जब भी मैं बोलूँ. अच्छा एक और मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, चलो के जे लेते हैं. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हमारा प्रोसेस का वैल्यू विल बी जे given it was in k at time m. अब समझ में आया रिप्रेजेंटेशन. ये टाइम है पहला टाइम दूसरा टाइम, ये स्टेट्स है पहला स्टेट दूसरा स्टेट, देख लो इसको एक बार समझो अच्छे से, क्योंकि अभी हम लोग यही यूज करेंगे. वील यूज दिस सेकेंड वाला हमेशा, सेकेंड या फिर थर्ड, फर्स्ट वाला नहीं क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है ना लिखने में, इसीलिए एक बार समझ लो इसको, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं कि दीज प्रोबेबिलिटीज आर कॉन्स्टेंट, इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम यानी कि अगर हम लोग बोलें कि एक स्टेप में वो आई से जे जाएगा, वो कोई भी टाइम हो सकता है. यहाँ पे मैंने बोला m से m प्लस वन में i से j जाएगा, या फिर आई एम सेइंग n से लेके n प्लस वन में वो i से j जाएगा. बोथ द प्रोबेबिलिटीज विल बी सेम. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P I J 1 दोनों को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ये वन का मतलब है टाइम, एक टाइम पीरियड में आई से जे जाएगा, और ये कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, बट
मेक श्योर ये जो आई जे है ये हमेशा सेम हो. अगर मैं बोलूँ पी आई जे, आप लोग बोलना सही है कि नहीं, पी के जे, इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. स्टेट्स अलग हो रहे हैं ना. मेरा बोलने का ये मतलब है, मैं अगर बोलूँ वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज आर कॉन्स्टेंट ओवर वन टाइम पीरियड या फिर ओवर टू टाइम पीरियड, जो भी हम लोग देखेंगे, इसका ये मतलब है कि टाइम एम से एम प्लस वन में वो आई से जे जाएगा, एन से एन प्लस वन में वो आई से जे जाएगा. द स्टेट्स शुड बी द सेम, करेक्ट? सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हुआ ना. अब 10 से 11 बोल रहे हो, 10 बजे से 11 बजे सपोज, ठीक है, या फिर आप 5 बजे से 6 बजे, दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर. द पॉइंट इज स्टेट्स सेम होना चाहिए और ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, विच इज योर वन टाइम स्टेप. क्लियर? ड्यूरेशन या फिर क्या बोलते हैं, याद करो, टाइम लैग. इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टाइम lag, which is one step in this case. अब इसके नीचे लिखना very important concept. In this case, Markov chain is time homogeneous. Full stop. If Markov chain is time homogeneous, then the transitional probabilities depend only on the length of time interval. Full stop. If transitional probabilities are not constant over time, then the Markov chain is time inhomogeneous. I think spelling galat hai, isko aise kar do. Ek bar I need to check the spelling. Koi ek bar agar check kar de mere liye. Time inhomogeneous. ठीक है, आई थिंक यही है. तो बेसिकली यहाँ पे जब मैंने बोला कि कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब दिस वॉज टाइम होमोजेनस. पर यहाँ पे सपोज आई से दैट दीज टू प्रोबेबिलिटीज आर नॉट इक्वल, यानी कि टाइम एम से एम प्लस वन में गया आई जे एंड एन से एन प्लस वन में गया आई जे, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं. ऑल दो द टाइम स्टेप इज वन, टाइम स्टेप आपका वन है, वन टाइम स्टेप है. शैली बोलिए ई होगा, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा कि ई होगा. आई विल चेक इन द मटीरियल, अगर कोई मटीरियल खोल के प्लीज़ चेक कर सकते हैं. इंटरनेट पे मत चेक करो, एक बार मटीरियल खोल के चेक करो प्लीज़. मुझे थोड़ा डाउट है, मेरे नोट्स में दोनों लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, बिना ई के भी लिखा हुआ है.
एक बार प्लीज़ कोई भी मटेरियल अगर है तो चैप्टर टू खोलो, बहुत जगह दिख जाएगा टाइम होमोजेनियस एंड होमोजेनियस. तो यहाँ देखो, एम से एम प्लस वन में गया आई जे, मतलब टाइम एम से एम प्लस वन में आई जे में गया. दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस ऑल्दो द टाइम स्टेप इज सेम. इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटीज आर नॉट कॉन्स्टेंट, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एज वेल. तो इस केस में हम लोग बोलेंगे दैट इट इज टाइम इनहोमोजेनियस. रितम पूछ रहे मार्क्स कटेगा कि नहीं, बट रितम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसका अगर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो कैसे होगा. ओके, मटेरियल में ई दिया हुआ है तो ई ले लेते हैं, ठीक है ई ले लो. ये तो आप पढ़ रहे हो ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कैसे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो. तो ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है अभी कि टाइम होमोजेनियस एंड इनहोमोजेनियस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ फिर सेम नहीं होगा, फिर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे. देखना यहाँ पे, इस पे ध्यान देना, इसको हम लोग इक्वल नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, इसलिए मैंने काट दिया. आ जाओ अब लिखना ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ब्रैकेट में लिखो टाइम, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ई नहीं होगा, क्योंकि मेरे मटेरियल में सब जगह काटा, मेरे नोट्स में काटा हुआ है ई. एक बार चेक कर लूँगी मैं, फिर भी आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल एक्चुअली. जनरल फॉर्म लिखो पहले, पहले लिखना अच्छे से, फिर समझेंगे. वी आर राइटिंग कैपिटल पी, प्रोबेबिलिटी है ना, तो कैपिटल पी लिखना, स्मॉल पी मत लिखना प्लीज. इसको कॉपी कर लो, फिर मैं समझाती हूँ इसको क्या है. तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइम होमोजेनस का. टाइम होमोजेनस में मतलब कांस्टेंट प्रोबेबिलिटीज है, सॉरी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटीज है. कांस्टेंट प्रोबेबिलिटीज होने का क्या मतलब, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटीज होने का क्या मतलब है, मैं
मैं ये बार बार आज इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आई विल नॉट रिपीट जो भी कॉन्सेप्ट पहले क्लास में है, आई विल नॉट रिपीट. इसीलिए आई एम सेइंग आपको रिवाइज करना है. दो बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा बात है, तुरंत क्लास के बाद और एक बार रात में वापस. तो देखो हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं इन केस व्हेन इट इज़ टाइम होमोजेनस. तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हम लोग जो यहाँ पे अच्छा लिख लो, पहले चार पॉइंट है लिख लो, फिर आई विल एक्सप्लेन, बेटर रहेगा. एक बार सारा पॉइंट्स कॉपी कर लो. चलो पहला पॉइंट लिखो, द अबव मैट्रिक्स, ये वाला पहला पॉइंट, द अबव मैट्रिक्स इज अ वन स्टेप टाइम होमोजेनस ट्रांजिशन मैट्रिक्स फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल Always be a square matrix. Third point. Each row. Is a conditional probability distribution last point the sum of each row is equal to one. The sum of each row is equal to one. ठीक है, हो गया. एक बार yes लिख दो अगर हो गया तो. ओके सो गुड. तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता क्या है? बेसिकली दिस गिव्स अस ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो हमें यहाँ पे मिल सकता है. अब पहला चीज देखना, मैंने P1 लिखा है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? PIJ1. मैंने IJ नहीं लिखा स्पेसिफिकली क्योंकि IJ खाली दो स्पेसिफिक स्टेट्स है. यहाँ पे मैं कितना स्टेट्स ले रही हूँ? N स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 1 लिख रहे हैं इसका मतलब है 1 टाइम, अभी आप लोग को पेन नीचे रख के खाली सुनना है, 1 टाइम स्टेप. इसका मतलब है 1 टाइम स्टेप खाली. ये जो मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3 n तक, these are the different states. तो इसका क्या मतलब है? Probability of going from state 1 to state 1 in one time step. तो देखो यहाँ पे आप T लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. मैं N नहीं लिखा क्योंकि N मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया है, एज अ स्टेट ले लिया है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? X is equal to 1, मतलब कि टाइम T पे इट इज़ इन स्टेट 1,
टाइम टी प्लस वन पे भी वो स्टेट वन पे ही रहेगा. सॉरी, तो वन पी वन वन समझ में आया. सिमिलरली व्हेन वी राइट पी वन टू, पी वन टू टाइम टी पे वो स्टेट वन पे था, वन से टू पे आएगा एट टाइम टी प्लस वन. दिस टाइम टी प्लस वन कैन बी एनी थिंग, दिस कैन बी एम प्लस वन गिवन एम, एनी थिंग. खाली वन स्टेप होना चाहिए, वन टाइम स्टेप होना चाहिए. सिमिलरली मैंने से थ्री से वन, पी थ्री से वन यानी कि ये वाला स्टेट थ्री से स्टेट वन पे जाएगा इन वन, यानी कि दिस इज द फर्स्ट, ये पहला, ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रो में लिख रहे हैं, दीज दीज आर द पहला स्टेप, पहला स्टेट, पहला स्टेट, और ये है हमारा दूसरा स्टेट या फिर फाइनल स्टेट लिख सकते हैं, फाइनल स्टेट. तो अगर मैं इसका बात करूँ, यानी कि पहले वो था, मैं एक बार लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले वो था टाइम टी पे, वो था स्टेट एन पे, और वो फिर जाएगा स्टेट वन पे, एन से वन, एन से वन. क्लियर है, क्लियर है. सिमिलरली थ्री को, थ्री वन यानी कि स्टेट थ्री पे था, स्टेट वन पे जाएगा इन वन टाइम स्टेप. क्लियर है. तो अगर मैं बोलूँ एन स्टेट्स हैं, मेरे एन स्टेट्स हैं, और मैं स्टार्ट करूँ मे बी टाइम, मे बी स्टेट वन से, मैं स्टार्ट करूँ स्टेट वन से, तो वो कोई भी स्टेट्स पे जा सकते हैं. ध्यान से सुनना ये चीज़ प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी बेसिक, बाद में आपको बहुत बेसिक लगेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सुनो, स्टेट हम लोग हैं स्टेट वन पे, अगर हम लोग को जाना है वन पे, वन पे खड़े हैं, ठीक है, हम लोग वन पे जा सकते हैं, टू पे जा सकते हैं, थ्री पे जा सकते हैं, एन पे, किसी पे भी जा सकते हो. तो ये सारा प्रोबेबिलिटीज़, ये जो सारा प्रोबेबिलिटीज है शुड एड अप टू वन. प्रोबेबिलिटीज है ना, ये सारे एग्जॉस्टिव हुए ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यानी कि क्या, अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं स्टेट वन पे हूँ, तो मैं कोई भी स्टेट पे जा सकती हूँ ना, टू पे, वन से वन पे भी जा सकते हैं, वन से वन पे भी जा सकते हैं, या फिर वन से टू पे जा सकते हो, थ्री पे जा सकते हो, कहीं ना कहीं तो जाओगे. वन पे खड़े हो तो वन से वन पे आ सकते हो, वन से टू पे जा सकते हो, वन से थ्री पे जा सकते हो, किसी पे भी जा सकते हो. तो ये सबका प्रोबेबिलिटी शुड एड अप टू वन. सिमिलरली ऑल द रोज शुड एड अप टू वन, शुड एड अप टू वन. ये कौन सा पॉइंट हुआ मेरा, सबसे फोर्थ पॉइंट देखना, इट ऑल शुड एड अप टू वन. तो मेरे जो रोज हुए, ये मेरा इनिशियल स्टेट हुआ, इनिशियल स्टेट हुआ, और मेरे जो कॉलम्स हुए यानी कि जो मेरे ये हुए, ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये सारा मेरा हुआ फाइनल स्टेट, ये सारा मेरा हुआ फाइनल स्टेट. सो व्हेन आई एम सेइंग दिस, इसका क्या मतलब है, पी वन वन प्लस पी वन टू प्लस पी वन थ्री डॉट 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 पी वन एन इज इक्वल टू वन. ये सारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सिमिलरली अगर हम लोग एन पे खड़े हैं, तो या तो वन पे जाओगे, या तो टू पे जाओगे, थ्री पे जाओगे, सो ऑन, एन तक कहीं भी जा सकते हो. ऑल शुड एड अप टू वन, कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, उस पे भी रह सकते हो या दूसरे स्टेज पे भी जा सकते हो. करेक्ट, यस और नो? ठीक है. और एक लास्ट चीज जो मुझे ऐड करना है यहाँ पे, ये स्टेट डिपेंडेंट हुआ, ये स्टेट डिपेंडेंट हुआ, बट टाइम इंडिपेंडेंट हुआ. कैसे? हर एक रो का डिस्ट्रीब्यूशन अलग बनेगा, हर एक रो का प्रोबेबिलिटीज अलग होगा. क्योंकि अगर आप स्टेट वन पे हो, वन से वन पे जा रहे हो, टू पे जा रहे हो, थ्री पे जा रहे हो, ये प्रोबेबिलिटीज अलग होंगे. ऑल दो द टाइम स्टेप इज सेम, वन, वन का टाइम स्टेप है. सिमिलरली अगर आप टू पे खड़े हो, तो टू से वन पे जाओगे, थ्री पे जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, टू से टू पे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो,
टाइम आपका लैग, टाइम लैग पे डिपेंड करेगा, विच इज़ योर वन. टाइम लैग यहाँ पे खाली वन का है, खाली उस पे डिपेंड करेगा. बट मेन किस पे डिपेंड हो रहा है? स्टेट्स के ऊपर. कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहे हो? स्टेट वन से स्टेट वन पे जा रहे हो, वन से टू पे जा रहे हो, थ्री से वन पे जा रहे हो, थ्री से टू पे जा रहे हो. स्टेट्स पे डिपेंड करेगा. टाइम आपका हमेशा वन स्टेप है. क्लियर? तो इसमें हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं कि पाथ इंडिपेंडेंट. पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ टाइम, मैंने अभी समझाया था स्टार्टिंग में, टाइम टी पे इफ़ आई एम सेइंग कि वो स्टेट वन पे है, टाइम टी पे इफ आई एम सेइंग कि वो स्टेट वन पे है एंड आई एम सेइंग टाइम टी प्लस वन पे वो स्टेट टू पे जाएगा, तो बीच में वो कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बीच में वो कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट बॉदर्ड कि वो इनिशियली कहाँ था, एंड में कहाँ पे, बीच में जहाँ जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. क्लियर? ट्रांजिशन मैट्रिक्स टाइम होमोजेनियस का. अब नेक्स्ट लिखना, सुनने में थोड़ा लगेगा बहुत ही मज़ेदार और है भी, चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन. चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन. पूछना मत नाम कहाँ से आया, मे बी जिसने ये मॉडल बनाया उसका नाम है. करेक्ट रितम, रितम का आंसर बहुत, क्वेश्चन बहुत सही है. जब वन टाइम लैग होगा तब तो ऑब्वियसली वो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज डिस्क्रीट टाइम है, डिस्क्रीट टाइम है. जब हम लोग टू स्टेप्स थ्री स्टेप्स का देखेंगे तब का मैं बात कर रही हूँ कि बीच में जहाँ जाए नॉट बॉदर्ड. ठीक है? करेक्ट करेक्ट, सबका क्वेश्चन सही है, वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने खाली वन टाइम स्टेप लिया है, टी और टी प्लस वन, और मैंने बोला है टाइम स्टेप डिस्क्रीट है, यानी कि टी से सीधा टी प्लस वन जाएगा, बीच में कुछ नहीं है. यहाँ के लिए हाँ इट इज़ फाइन, बट वेन वी कंसिडर टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप, क्योंकि हम लोग खाली वन स्टेप तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो उस टाइम उसके लिए मैंने बताया इन जनरल कि पाथ इंडिपेंडेंट है. क्लियर? ख्याति एंड रितम, गुड क्वेश्चन. ठीक है, गुड दैट यू आर आस्किंग, इसका मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ. लिखना चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन, पहले कॉपी कर लेंगे फिर समझेंगे.
सुबह सुबह जो बच्चे मेरे क्लास में आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा. दिस इज़ वॉट 12 पीपल आर देयर इन माई क्लास, ऑल द 12 पीपल, एंड आई नो कौन कौन है. मन से एकदम सबके लिए मैं प्रे करूँगी, सबको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा. एवरी वन विल गेट अबव 80 जो भी मेरे क्लास में आ रहे हैं रेगुलरली. बाकी सबका आई डोंट टेक द गारंटी एक्चुअली. नहीं ऐसा नहीं है, जो क्लासेस रेगुलरली देखेंगे उनका हो जाएगा, बट जो क्लास में आते हैं ना लाइव क्लास में, उनके लिए एक स्पेशल प्लेस है मेरे हार्ट में. ख्याति और रितम बदमाशी बंद करो. चलो इसको कॉपी कर लो फिर समझते हैं. मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ समझाने का बना के कुछ. जो बच्चा ये नाम सुन के नहीं डरा, चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन, वो बच्चा बहुत ही ब्रेव है. रितम ये क्वेश्चन डायरेक्टली सर से पूछा जाए, मेरे से नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. चलो देखो कॉपी हो गया, आई होप. देख लो इसका क्या मतलब है. स्टेट आई से जे में जाएंगे, मैं वापस से नहीं रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत रिपीट हो गया. टाइम एम पे स्टेट आई में थे, टाइम एन पे स्टेट जे पे जाएंगे. तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो. समेशन ऑफ ऑल के, वेर के इज द स्टेट, ठीक है, के इज द स्टेट प्रोबेबिलिटी कि हम लोग आई से जे में जाएंगे, आई से के में जाएंगे, फ्रॉम टाइम एम टू एल इंटू प्रोबेबिलिटी कि हम लोग के से जे में जाएंगे फ्रॉम टाइम एल टू एन. इसका क्या मतलब है, मैंने ऐसे भी लिख के दिखा दिया, दोनों वे से लिख के दिखा दिया. टाइम एम पे हम लोग आई पे थे, टाइम एन पे हमें जे पे आना है, बीच में वो कोई भी पाथ ले, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड. तो टाइम एल पे वो के पे जाए, टाइम एन पे वो, टाइम एल पे वो के पे जाएगा. ये जो के है इट कैन बी एनी के, मतलब कि इट कैन बी एनी स्टेट, इट कैन बी एनी स्टेट. क्लियर. मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल द स्टेट्स आई जे के इन एस एंड फॉर ऑल द टाइम्स एम एल एंड एन. तो यहां समझते देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज सर्टेन है, सर्टेन है. क्यों, अगर आप लोग को ये बनाने बना सकते हो, क्यों मैंने लिख दिया ना, टाइम एम पे हम लोग आई पे थे, टाइम एन पे हमें जे पे जाना है, ये दोनों चीज हमारा सर्टेन है, ये दोनों चीज हमारा सर्टेन है, करेक्ट. बीच में वो कोई भी स्टेट में जाए, कोई भी स्टेट में जाए हमें मतलब नहीं, इट कैन बी एनी स्टेट. तो अगर आप सबको ऐड कर दो यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी, करेक्ट. सबको ऐड कर दो के जो हमारा यहाँ पे, हमने इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, के को हम लोग बोलते हैं, लिखना है तो लिख सकते हो, ट्रांजिएंट स्टेट. इसका क्या मतलब है, इट कैन बी एनी स्टेट, इट कैन बी इवन आई, के कैन बी इक्वल टू आई ऑल्सो, के कैन बी इक्वल टू जे ऑल्सो, इट कैन बी एनी स्टेट. ये दोनों चीज सर्टेन है कि टाइम एम पे वो आई पे था, टाइम एन पे वो जे पे रहेगा, बीच में टाइम एल, ये जो एल है ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है बीच में, तो वो टाइम पे वो कोई भी और स्टेट में जाके इसमें आ सकता है. आई और एम हमें चाहिए कि वो आई पे और जे पे हमने मिले एट टाइम एन, एट टाइम एन बीच में वो कहीं भी जाके आ सकता है.
कहीं भी जाके आ सकते हैं, क्लियर। तो उन सब का अगर हम लोग एडिशन कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, एक बार समझ लो इसको। डजेंट डिपेंड ऑन द पाथ का क्या मतलब है? जब हम बोल रहे हैं कि टाइम एम पे वो आई पे था, एन पे जे पे चाहिए, इट कैन बी एनी पाथ इन बिटवीन। वो आई से सीधा जे पे चला गया, हो सकता है कि ये जो हमारा के है वो जे हो, पॉसिबल। वो जे पे चला गया और फिर वो जे पे ही था। आई से ये एम से, सपोज मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना, कि वो जे पे चला गया एट टाइम एल, जे पे चला गया, या फिर ऐसे जे पे चला गया एट टाइम एल और वो जे पे ही था, और वो जे पे ही था, या फिर एट टाइम एल, एट टाइम एल वो आई पे ही था, फिर वो एट टाइम एन जे पे गया, कैन बी पॉसिबल। तो बीच में कोई भी पाथ, या फिर कोई एक दूसरा स्टेट आया उस पे गया फिर जे पे गया, सो इट कैन बी एनीथिंग। सबका समेशन लेंगे, क्लियर। और एल कैन बी एनी टाइम बिटवीन एम एंड एन, क्लियर क्लियर। नहीं, कहीं नहीं बोला शैली, मैंने वन टाइम स्टेप कहीं नहीं बोला है, जनरल है ये, जनरल फॉर्म है। वन टाइम स्टेप का तो बात ही नहीं कर रहे, कहीं भी लिखा है मैंने, मैंने क्या बोला, वन टाइम स्टेप का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो क्या वन टाइम स्टेप ही करेंगे हमेशा? नहीं, जनरल है ये, दिस इज जनरल। वन टाइम स्टेप में तो कैसे होगा ये, मानी वो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं फिर, आज हम लोग इतना ही करेंगे, एक्चुअली और करना था बिकॉज देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम स्टार्टिंग में, तो कोई नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। इसका प्रूफ आज कर लेते हैं, पर प्रूफ लेट मी फिनिश। देखो ये जो प्रूफ मैं पहले दिखाऊंगी ना, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रूफ है भी नहीं एक्चुअली, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि जो हम लोग मेन प्रूफ करेंगे इसका, इस इक्वेशन का जो हम लोग मेन प्रूफ करेंगे उसको समझाने के लिए ये वाला प्रूफ करें। इसके नीचे लिखना, प्रूफ के नीचे लिखना, दिस इज बेस्ड ऑन मार्कोव प्रॉपर्टी, दिस इज बेस्ड ऑन मार्कोव प्रॉपर्टी एंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इन कंडीशनल फॉर्म, फुल स्टॉप, इन कंडीशनल फॉर्म इफ इफ, फुल स्टॉप देखिए, इफ यहाँ देखो बोर्ड पे देखो, ए वन ए टू डॉट 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 ए के आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स comma that is they form a complete set of disjoint events, full stop,
फिर मैं ये जो लिख रही हूँ वो लिखना, ठीक है? जो मैंने रेड से लिखा है उसको कॉपी कर लो प्लीज़। बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो प्रूफ करना है चैपमैन कोलमोग्रोव का, इसको प्रूफ करेंगे यूजिंग मार्कोव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्कोव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मार्कोव चेन है, एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जिनको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं याद है, बेसिकली बेस थ्योरम, जिनको याद है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, फॉर ऑल द स्टेट्स, जो ये स्टेट्स हैं, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, देखो मैं स्टेट्स स्पेस बना रही हूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, फॉर एग्जाम्पल खाली तीन स्टेट्स हैं, ठीक है? ऐसा वेन डायग्राम बनाते थे, याद है? तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट, आपस में एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब है कि अगर हम इन लोग का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें नल मिलेगा, अगर हम ए वन इंटरसेक्शन ए टू लें तो हमें नल सेट मिलेगा, देख लो, तो हमें नल सेट मिलेगा। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। जिनको नहीं पता, आई होप सबको आता होगा, सेट थ्योरी करते थे हम लोग स्कूल में, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, करेक्ट? ये आप लोगों को खाली समझाने के लिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रूफ विच वील डू, ठीक है? दिस यू इज द यूनियन। तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू वन, यानी कि बेसिकली सारा प्रोबेबिलिटीज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री इज वन। यूनियन मतलब एड, यूनियन मतलब इंटरसेक्शन, एड सॉरी एड करना, इंटरसेक्शन यानी कि एंड दिस मतलब और। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट एंड और, ये सब कन्फ्यूज हो जाओगे, जिनको पता है वो समझ जाएंगे। एड करना, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सारा स्टेट्स, ये हमारे स्टेट्स हैं, ये हमारे स्टेट्स हैं, अगर हम सारे स्टेट्स वन से लेके इन्फिनिटी मतलब ऑल द स्टेट्स अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे को यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यानी कि पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा, क्लियर? सिमिलरली अगर हम लोग दो स्टेट्स का इंटरसेक्शन ले तो हमें क्या मिलेगा, नल, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये होता है एक्सक्लूसिव, ये होता है एग्जॉस्टिव। और ज़्यादा डिटेल आई विल नॉट गिव और रिक्वायर्ड नहीं है। बी एंड सी का क्या मतलब है कि बी एंड सी दो स्टेट्स हैं, तो मैंने बोला गिवन कि हम लोग सी पे थे, प्रोबेबिलिटी निकालो कि हम लोग बी पे जाएंगे, हो सक एंड जो पाथ है इट कैन बी थ्रू ऑल द स्टेट्स ए के, all the states a k, for all the values of k, for all the
वैल्यूज ऑफ के, मतलब कि ये कोई भी स्टेट हो सकते हैं, ये कोई भी स्टेट हो सकता है. आप सी से बी पे जा रहे हो वाया एनी ऑफ द स्टेट पॉसिबल. हर एक पॉसिबल जो भी हमारा स्टेट है उसके थ्रू हम पहले सी से फिर बी पे जा रहे हैं. क्लियर? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझना ध्यान से. प्रोबेबिलिटी, ये वही चैपमैन वाला है कि हम लोग सी पे थे, ए के, ये ए के कोई भी पॉसिबल हो सकते हैं फॉर ऑल के जाएंगे, पहला. दूसरा कि हम लोग फिर वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं. और ये मैंने कॉमा देके क्यों लिखा है ये अभी हम लोग समझेंगे. क्लियर है? क्लियर है? सी से हम ए के, ये ए के कोई भी हो सकते हैं फॉर ऑल के, फॉर ऑल के, ठीक है. एंड देन वहाँ से हम लोग बी पे जा रहे हैं फॉर ऑल ए के, फॉर ऑल द स्टेट्स. अब हम लोग का जो, हम लोग का मेन जो हमारा मोटो था ये करने का, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे लिखना, कंपेयरिंग विथ चैपमैन, कोल्मोगोरोव इक्वेशन. अब ये जो हमने देखा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको कंपेयर करेंगे विद द चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन जो हमने ऊपर में लिखा था. जो मैंने रेड से लिखा है खाली वही लिखना.
ठीक है, अब समझो इसको, अब समझो इसको। ओके, तो मैं बोल रही हूँ ये वही हमारा चैपमैन कोल्मोगोरोव इक्वेशन है। नाउ दिस इज फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे किया ऊपर में, ठीक है। टाइम एम पे आई पे थे, टाइम एन पे जे पे जाएंगे। नाउ टाइम एम पे आई पे थे, एल एनी टाइम बिटवीन एम एंड एन के स्टेट के एनी स्टेट पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग एन पे जाएंगे, जे पे जाएंगे एट टाइम एन गिवन ऑल ऑफ दीज। नाउ ये हो गया दो टाइम पीरियड एल और एम, ये हो गया दो टाइम पीरियड एल और एम। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, तो सी ये हमारा सी है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए के है। देख लो अगर हम लोग कंपेयर करें तो, क्लियर। एम से एन पे, आई से जे पे जाना है इन टाइम एम एन एन, बीच में ये कुछ भी हो सकता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ये जो के है दिस कैन बी एनीथिंग, एनी स्टेट। तो उन सबका समेशन ले रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं मार्कोव चेन फॉलोज मार्कोव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये वाला देखना, ये समझना, ठीक है, ये खाली समझना। यहाँ पे वी आर सेइंग कि दो टाइम स्टेप है, समझ रहे हो। टाइम एन पे हम लोग जे पे जाएंगे, दो टाइम स्टेप्स है, ये भी लिया ये भी लिया। बट क्या बोला था हमने, मार्कोव प्रॉपर्टी है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, खाली इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन आ गया, देख लो, खाली एल पे डिपेंड करेगा क्या था स्टेट का वैल्यू, टाइम एम पे क्या था उस पे डिपेंड नहीं करेगा, खाली इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग मार्कोव प्रॉपर्टी लगा दें तो कुछ ऐसा बनेगा, बी गिवन सी, ए के गिवन सी। सी तो हो चुका है, उसके बाद कोई भी पॉसिबल स्टेट ए के, एनी पॉसिबल स्टेट ए के, बी पे जाना है गिवन एनी पॉसिबल स्टेट ए के। वो जो कॉमा सी था यहाँ पे वो अभी हट गया बिकॉज मार्कोव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स, ओनली वन टाइम स्टेप डिपेंडेंसी। आगे क्या होगा खाली अभी के पर डिपेंड करता है, पहले के वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता। ये पूरा चीज क्लियर है, ये पूरा चीज क्लियर है, यस और नो, यस और नो। गुड, अब देखो बस एक दो चीज़ लिख लो, कल के क्लास में आएंगे तो इजी रहेगा वहीं से, क्योंकि फिर बोरिंग नहीं लगेगा। तो एक दो चीज़ खाली लिखने के लिए, जस्ट 5 मिनट का मे बी लिख लो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स टाइम इन होमोजेनस का, टाइम इन होमोजेनस का। मैं समझाऊंगी कल इसको,
सो बेसिकली टाइम इन होमोजेनियस में मैंने क्या बोला था, दैट इट विल डिपेंड ऑन टाइम एज वेल. ठीक है, खाली लैग पे नहीं, टाइम पे भी डिपेंड करेगा. अगर मैं बोल रही हूँ कि एम से एम प्लस वन पे हमें आई से जे जाना है, ठीक है, और एन से एन प्लस वन का है आई से जे जाना है, बोथ ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज विल बी डिफरेंट. बोथ ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज विल बी डिफरेंट, नॉट सेम. इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में टी. टाइम होमोजेनियस वाले में जाके देखो, वहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा था. ये टी क्यों लिखा है? वन टाइम स्टेप है, यहाँ पे वन टाइम स्टेप है. कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? टी से टी प्लस वन, वन टाइम स्टेप है. नॉट दिस वन टाइम स्टेप कैन बी एनी थिंग. एम से एम प्लस वन जा रहे हो, एन से एन प्लस वन जा रहे हो, टी से टी प्लस वन जा रहे हो, बट आपका प्रोबेबिलिटीज अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम. क्या आप टी से टी प्लस वन पे जा रहे हो या एम से एन प्लस वन पे जा रहे हो? बोथ ऑफ दीज टू विल बी डिफरेंट. सो योर प्रोबेबिलिटी विल नाउ डिपेंड ऑन टाइम एज वेल एज ऑन लैग. करेक्ट करेक्ट. बस टाइम लैग पे नहीं डिपेंड कर रहा, दोनों पे डिपेंड कर रहा. करेक्ट, ओके ओके. तो आज इतना. क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू मुझे डिक्टेट करना है, मैं नहीं कर रही हूँ डिक्टेट. ठीक है, तो मैं काम करूँगी, मैं ये दोनों क्वेश्चंस ग्रुप में भेजूँगी ताकि आप लोग इसको लिख के रखो. कल अगेन आई हैव टू रिपीट एनीवेज, देखा जाएगा. प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना, जो भी अभी तक किया है अच्छे से. आज की क्लास को रिवाइज करना. आज की क्लास को नहीं रिवाइज करोगे तो कल कुछ भी नहीं समझ में आएगा. आज की क्लास को अगर नहीं रिवाइज करोगे तो कल आना ही मत. ठीक है, कल का टाइमिंग मे बी इन द इवनिंग, ओके, बिकॉज आई थिंक दूसरा क्लास है सुबह. सो मे बी इवनिंग में होगा आप लोगों का क्लास कल, एंड दैट्स इट. कल हम लोग और आगे का करेंगे. प्लीज़ ऑल्सो ट्राई एंड गो थ्रू द कॉपी. आपको मटीरियल अभी नहीं करना है. आपको क्या क्या करना है, आई एम टेलिंग यू ऑल. जो जो लाइव क्लास में आ रहे हैं इसको गो थ्रू करो. कॉपी को 15-20 मिनट्स लगेगा. ठीक है, दो बार गो थ्रू कर लोगे तो बहुत अच्छा है. एंड देन मेक श्योर आप पहले का पोर्शंस कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि आर प्रोग्रामिंग ऑल द पोर्शंस ऑफ चैप्टर CT6, पूरा CT6 टाइम सीरीज तक, एंड उसके बाद CT4 चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक. टाइम आपका आर प्रोग्रामिंग खत्म हो रहा है, साथ ही साथ आपके बुकलेट्स खत्म हो रहे हैं. मैंने बुकलेट सर्वाइवल मॉडल जो चैप्टर 6 से चैप्टर 8 का बुकलेट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म करा दिया है. आई थिंक ओनली 4 or 5 सम्स आर लेफ्ट डाउट्स में, बाकी वो भी ख़त्म हो जाएगा. मैं एक दिन रखूँगी क्लास, आई विल कम्प्लीट दैट एंड आई विल टेक अप द डाउट्स ऑफ द नेक्स्ट 2 बुकलेट्स. उसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, ज़्यादा सम्स भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. दोनों बुकलेट को करने में एक एक दिन लगेगा बस. मे बी एक बुकलेट को 2 दिन लगे, एक बुकलेट को चैप्टर 11 वाले बुकलेट को खाली 1 दिन लगेगा, 5 hours, नॉट मोर देन दैट. तो प्लीज़ उसको ख़त्म करो इस संडे तक का, बिकॉज फ्राइडे क्लास नहीं है फॉर श्योर. आई एम गिविंग यू ऑल टाइम ताकि ये ख़त्म करके स्टोकास्टिक मेरे साथ साथ कर पाओ. मेक श्योर यू ऑल आर विथ मी, ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, अच्छे से करना, बट टाइम टू टाइम करना, क्योंकि अगर आप लोग टाइम नहीं दोगे 5-6 hours टू CS2 तो आप लोग का नहीं होगा. एटलीस्ट 6 hours to 5 hours एक्सेप्ट क्लास. क्लास तो होता ही है 2 hours का या 1.5 hours का, अलग से आपको 5 hours देना है एवरी डे सो दैट यू आर विथ मी. क्योंकि जल्दी अगर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा सो दैट वी हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल. प्लीज़ आज कंप्लीट करना बुकलेट. बाय.